एगो जंगल में सिंह नाम के एगो दयालु शेर रहत रहे। सिंह शेर से जंगल के सब जानवर बहुत खुश रहत रहन सा। एक दिन के बात है, सब जंगलन में भयंकर सूखा पड़ गई, बारिश होखल बंद हो गई। पर सिंह शेर के जंगल में ऐसन ना भइल। सूखा के लेके जंगल के सब जानवर बहुत डराइल रहन सा। उ सब इकट्ठा होके सिंह शेर के लगे पहुँच लसन। का हो गईल? तू सब जने इतना परेशान काहे दिखाता रा? हमनी के चिंता के कारण जंगल में सूखा बा महाराज। हमनी के जंगल के सब प्राणी के दिल में डर सताइले बा कि हमनी के जंगल में भी सूखा ना पड़ जाए। चिंता मत करा, हमनी के जंगल सूखा के लपेट में ना आई। और ऐजा हमेशा खानी बारिश होखते रही। लेकिन एक बात के तू विशेष ध्यान रखिया। कौन बात महाराज? ये है कि अब दूसर जंगल के जानवर अपन जंगल में सीधे प्रवेश नहीं खन कर सकत। आप ही कैसन बात कर रहल वानी महाराज? आप तो बहुत दयालु है। आप कभी भी दूसर जंगल के प्राणी के अपन जंगल में आवे से नहीं छी रोक ले। ई बार मजबूरी है। अगर हम दूसर जंगल के सब जानवर के अपन जंगल में घुसे देहब तो फिर हमर जंगल के वासी कहाँ जाई हैं? याद रखिया, ये जंगल में सिर्फ उहे प्राणी के आवे के इजाजत होगी जे कमजोर चाहे बूढ़ा हुई है। आज से ही तहार जिम्मेदारी हा। सिंह शेर के बात सुनके जूमो आपन एगो टीम बनौलस और वो अपन टीम में जंगल के सबसे तेज तरार ढोलू और भोलू के साथ ले लेलस। ढोलू भोलू, अभी समय शरारत करे के नहीं है। खाली तू ही दोनों लोग पूरा जंगल में घूमे फिरेला। हमार जंगल के सीमा पर नजर रखी हा। कौनो भी दूसरा जंगल के जानवर के अगर अपना जंगल में घुसत देखी हा तो तुरंत हम के चाहे महाराज के सूचना दी हा। आप चिंता मत करी, हम आज के बाद जंगल के सीमा पर कड़ी नजर रखब। हाँ, अगर जंगल में केहू भी अवैध तरीका से घुसत नजर आई तो हम तुरंत आप दोनों के बता दे हब। हमरा तू दोनों से यह उम्मीद रहल हा। जा, अब दोनों काम पर लग जा। उ दिन के बाद ढोलू और भोलू अपन काम करे लगलन सा। एक दिन के बाद है, ढोलू और भोलू दौड़ दौड़ के जंगल के सीमा के पास खेलत रहन सा। के तभी उ दोनों के नजर एगो लोमड़ी और एगो सियार पर पड़ल। उ दोनों ओकनी के जंगल के ना रहन सा। ढोलू और भोलू दोनों दौड़ के ओकनी के लगे चल गयलन सा। वहीं पर रुक जा, तू दोनों क्या हुआ? ढोलू के बात सुन के सियार सक पका के कहलस, हमार नाम सीपू हा और हमार नाम लोमी हा। हमरा ई बात से कौनो मतलब नहीं है कि तहार दोनों के नाम का हा, लेकिन हमनी के राजा ही आदेश दिले बारे कि अब से उनका आदेश के बिना दूसर जंगल के कोई भी जानवर अब हमनी के जंगल में नहीं घुस सकत। तहरा दोनों के हमनी के राजा के पास चले के होई। जैसन तहार इच्छा। लोमड़ी और सियार ढोलू भोलू के शेर के गुफा मिले गयलन सा। महाराज, ई दोनों हमनी के जंगल के वासी नहीं खन। हम दोनों भाई ई दोनों के अपन जंगल की सीमा के अंदर घुसते पकड़नी हा। ढोलू और भोलू के बात सुन के सिंह शेर क्रोधित होके कहलस, का तहरा दोनों के पता नहीं है कि हम दूसर जंगल के प्राणी के अपन जंगल में आवे से रोकले बानी। सिंह शेर के बात सुन के सीपू गिड़गिड़ा के कहलस, माफ करी महाराज, लेकिन हम सुनले हैं कि आप बूढ़ और बीमार के अपना जंगल में आवे की इजाजत देले बानी। और हम यो सुनले बानी कि आप बहुत दयालु हैं। आपके दयालुता के बारे में सुन के हम और हमार दोस्त यहाँ आ गई ली। लेकिन तू दोनों तब बूढ़ नजर नहीं खा बात। लोमी जॉन के अब तक चुप रहे चापलूसी भरल अंदाज में कहलस, इस अच्छा महाराज कि हमनी के बूढ़ ना है जा, लेकिन हमनी के बात के यकीन मानी। हमनी के बीमार है जा, हमनी के कई दिन से कुछो ना खाईले बानी जा। सिंह शेर बहुत दयालु रहे, ओकरा के उ दोनों पे तरस आ गई। ठीक बा, तू दोनों के जब तक मर्जी होए इ जंगल में रह सकेला, लेकिन याद रहे अगर तहरा दोनों के कोई भी शिकायत हमरा कान में आईल तो हमरा जंगल के कानून बहुत अलग बा। हम दोषी के कौनो भी कीमत पर क्षमा ना करेनी।
अब तू जा सकेला। सीपू और लोमी उ जंगल में रहे लगलन सा। उ दिन भर मजा से खात रहन सा और घूमत रहन सा। एगो रात उ दोनों मांस खाए में व्यस्त रहन सा के तभी ओकनी के नजर जंगल के शेर सिंह पे पड़ल जवन कहीं जात रहे। इहे समय है सीपू, हमनी के एकर पीछा करे के चाही। तू सही कहा ताडू। उ दोनों जंगल के शेर सिंह के पीछा करे लगलन सा। जंगल के शेर एगो बहुत पुराना गुफा के पास जाके रुक गई। उ गुफा के अंदर रात के अंधेरा में रोशनी फुटत रहे। जंगल के सिंह शेर एने ओने नजर दौड़ा के सीधा उ गुफा के अंदर घुस गई। सीपू और लोमी भी नजर बचा के गुफा के अंदर घुस गईलन सा। उ गुफा के अंदर एगो बहुत सुंदर हीरा रखल रहे जौन के सुनहरा रंग से जगमगात रहे। अरे ई का हो, ई तो कोनो चमत्कारी हीरा लागता। मूर्ख सियार, ई कोनो हीरा ना हो बल्कि एगो नागमणि हो। अब समझने हम ई जंगल में अब तक सूखा काहे ना पड़ल। तो तू ई कहे के चाहता रू कि नागमणि के वजह से जंगल में लगातार बारिश होता और यहाँ के पेड़ पौधा भी हरा भरा बा। मूर्ख सियार, समझ नहीं खे आवत कि हमनी के जंगल के राजा तोहरा के गुप्तचर काहे चुन लेलन। हमनी के ही चमत्कारी मणि के चुरा के तुरंत आज रात ही अपन जंगल में ले जाए के पड़ी। दरअसल सीपू और लोमी दूसर जंगल के गुप्तचर रहन सा। उहवा के राजा एडवर्ड शेर सिंह शेर के जंगल में उ दोनों के ई रहस्य के पता लगावे खातिर भेजले रहे कि आखिर सिंह शेर के जंगल में सूखा काहे न पड़ल हा। और लोमी उ मणि के देखत ही समझ गई कि उ मणि चमत्कारी हा। लोमी एगो बहुत ही चालाक लोमड़ी रहे। सिंह शेर कुछ देर नाग मणि के सामने बैठ के वहां से चल गई। लोमी और सीपू उ नागमणि के चुरा ले लंसा और उहां से रफू चक्कर हो गई लंसा। अगला दिन से जंगल के वातावरण बदले लागल और कुछ ही दिन में सिंह शेर के जंगल भी सूखा के चपेट में आ गई। जंगल के सब जानवर घबरा गई लंसा और उ सभी सिंह शेर के लगे पहुंच लसन। महाराज, आप तो कहले रहनी कि जंगल में सूखे ना पड़ी, लेकिन हमनी के जंगल भी सूखा के चपेट में आ गई। हम भी बात के लेके बहुत चिंतित हैं, लेकिन तू घबरा मत, तू सब लोग यही जरूर का, हम अभी आवतानी। इतना कह के सिंह शेर दौड़ के उहे पुराना गुफा के लगे पहुंचल। उ देखलस कि मणि वहां से गायब रहे। मणि के गायब देख के सिंह शेर उदास होके आपन गुफा में पहुंच गई। हमनी के जंगल से एगो बहुत ही कीमती वस्तु गायब हो गई, मतलब चोरी हो गई, जेकर रहस्य सिर्फ हम जानत रहली। चोरी? लेकिन हमनी के जंगल में ऐसा कौन कीमती वस्तु रहल महाराज जे चोरी हो गई? ई रहस्य के खुलासा करी। नागमणि, वर्षों पहले के बात है, हमें को इच्छाधारी नाग के जान आदमी से बचावले रही। वो इच्छाधारी नाग खुश होके अपन नागमणि हमके भेंट कहले रहे। वो कहले रहे कि जब तक ही नागमणि हमरा जंगल में हमरा पास हमार निगरानी में रही, हमरा जंगल में कोई भी विपत्ति नहीं खे आ सकत। हम उन नागमणि के पुरानी गुफा के अंदर रखले रही, ओकरा बारे में केहू न जानत रहे, मगर अब नागमणि गायब बा। तभी वहां मौजूद ढोलू के भाई भोलू कालस, महाराज, दोसर जंगल से आयल सीपू और लोमी आज सुबह से लापता बाड़े, कहीं ऐसा तो नहीं खे कि वो कौनो दूसर जंगल के गुप्तचर होखे और उहे वो नागमणि के उठा के ले गई होखस। सिंह शेर उदास होके कहलस, वो इच्छाधारी नाग हर महीने अपन नागमणि के देखे हमरा पास आवेला। ए बार जब वो अपन नागमणि के देखे आई तो हम ओके अपन का मुंह दिखाईब। सिंह शेर इतना कहले ही रहे कि तभी वो नाग सुनहरी किरण के साथे आधा मनुष्य और आधा नाग के रूप में वहां प्रकट हो गई। का बात बा जंगल के राजा, तारा गुफा के अंदर
इतना भीड़ काहे जमा बा औरी तू उदास काहे बाड़ा। सिंह शेर ओकरा के सारा घटना बता देलस। सिंह शेर के बात सुन के इच्छाधारी नाग मुस्कुरा के सिंह शेर के ओर देख के कहलस, चिंता मत कर जंगल के राजा, इमे तहार कोनो दोष नहीं है। तू ता अपन दयालुता के परिचय दे ले राला, मक्कार तो वो दूनू निकल ले। नागमनी कुछ देर बाद चल के खुद तारा पास आ जाए। इच्छाधारी नाग इतना कहले ही रहे के तब ही दूसर जंगल के शेर एडवर्ड आपन गुप्तचर सीपू और लोमड़ी के साथे क्रोधित होके उहवा आ गए। एडवर्ड नागमणि सिंह शेर के सामने फेंक देलस, ई मनहूस मणि के अपना पास ही रख शेर सिंह, तू हमार ही गुप्तचर के साथे मिलके हमके धोखा दिले बाड़ा। अच्छा तई तहार काम रहे एक तो चोरी करावला, ऊपर से यहाँ आके सीना जोड़ी करा तारा। हम सोचले रहनी कि तहारी चमत्कारिक नाग मणि से तहार जंगल पर विपत्ति नइखे आइल, लेकिन जब से ई दोनों नाग मणि चुरा के हमरा के देहले बाड़े तब से हमरा जंगल के वासी मरल शुरू हो गइल बाड़े। बेवकूफ राजा, ई नाग मणि के ये खासियत था कि कोई भी अगर एकरा बुरी नियत से चुराई तो ओकर सर्वनाश हो जाई। इतना कह के वो इच्छाधारी नाग सिंह शेर से कहलस, ई नागमणि के तुरंत उठा ला। सिंह शेर वो नागमणि के जैसे ही उठावलस, अचानक एडवर्ड शेर सीपू और लोमी के शरीर में आग लग गई। वो तीनों जर के राख हो गई लंसर। आज से ई नागमणि अपना पास ही रखिया, ई पूरी तरह से तहार हो गई। इतना कह के वो इच्छाधारी नाग वहां से गायब हो गई। उ दिन के बाद सिंह शेर के जंगल फेर से हरा भरा हो गई और सब खुशी खुशी रहे लगलन सा।